आदरणीय पुरोहितगण, श्रद्धेय माता पिताओं, भाइयों बहनों, आज हम स्वर्गीय ब्रदर पैतृक तिर्की की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके प्रांगण में एकत्र हुए हैं और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए हम एकत्र हुए हैं। यहाँ वेदी में उपस्थित सभी फादरगणों का, आप सभी माता पिताओं का, भाई बहनों का, मैं तिर्की परिवार की ओर से इस पावित्र खरिस्त में सहभागी होने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इसी स्वागत के शब्द के साथ मैं वेदी पर जितने भी पुरोहितगण उपस्थित हैं, बहुत ही शॉर्ट में उनका नाम और कहाँ से आते हैं वे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे। उनके बाद में स्वर्गीय ब्रदर पैतृक का संक्षिप्त जीवनी हमारे समक्ष रखी जाएगी और उसके बाद हम मिस्सा में क्रमशः आगे बढ़ेंगे। सबों को जय जीशु। मेरा नाम फादर सुमित खलको। कुछ महीने पहले मैं दुरंडापल्ली की असिस्टेंट यानी कि सहायक पुरोहित था। अभी मैं मुढ़ो उपपल्ली में रहता हूँ और वहाँ से रांची आर्च डायसिस महाधर्म प्रांत के युवाओं का देख रेख करता हूँ, निर्देशक हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम रॉबर्ट स्लैटरी, फ्लैटरी नहीं स्लैटरी, और मैं हजारीबाग प्रोविंस के हैं और मैं हजारीबाग आया 1958 और अब तक हम यही हैं। मैं फादर विनय करकेटा, मैं अभी फिलहाल बिशप्स हाउस में हूँ। सबों को जय यीशु। मैं फादर सुशील ओसगा, हजारीबाग से, अरूपे निवास, फादर प्रोविंशियल के सहायक। मैं फादर पीटर संगा, डुरंडापल्ली से। मैं फादर रवि भूषण खेस, यहीं डुरंडा पैरिश से हूँ। मैं फादर मनोज रोशन कुजूर, संजय बेस बोकारो। सबों को जय यीशु। मैं फादर फ्रांसिस, हजारीबाग से। अभी आप लोगों के समक्ष ब्रदर स्वर्गीय ब्रदर पैट्रिक का संक्षिप्त जीवनी पढ़ा जाएगा। मैं उनके छोटे भाई विल्सन तिर्की को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू फादर। हम सभी दुखित हैं कि हजारीबाग के यीशु समाजी और साथ ही साथ सभी परिचित ने एक युवा समाज यीशु समाजी को खो दिया है। स्वर्गीय पैट्रिक तिर्की खुशमिजाज एवं मिलनसार स्वभाव के थे और साथ ही साथ एक कर्मठ यीशु समाजी थे। उनका उद्देश्य था खुश रहना और सभी को खुशी बांटना। हमेशा हंसमुख रहते थे और अच्छे लोग भगवान को जल्द ही प्यारे हो जाते हैं, शायद ईश्वर को यही मंजूर था। पैट्रिक तिर्की का जन्म ट्रंडा पेरिस के बड़ा घाघरा खुशबू टोली गांव में 5 नवंबर 1992 को हुआ था। उनके पिता पास्कल तिर्की एवं माता जवंती तिर्की और दो छोटे भाई विल्सन तिर्की और विशाल तिर्की। उन्होंने प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालय की शिक्षा जेएमजे गर्ल्स हाई स्कूल डोरंडा से प्राप्त की। उच्च विद्यालय की शिक्षा संत अलोशियस हाई स्कूल रांची से प्राप्त की एवं इंटरमीडिएट की शिक्षा सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से। सन 2013 में उन्होंने हजारीबाग प्रोविंस में प्रवेश किया एवं प्री नोविशिएट की पढ़ाई विवेक सदन डाल्टनगंज से पूरी की। तत्पश्चात उन्होंने 2014 में नव शिष्यालय में आध्यात्मिक साधना के लिए जीसु जाहिर दुधानी दुमका भेजा गया। उसी नव शिष्यालय में उसने 21 जून 2016 को प्रथम मन्नत ली। तत्पश्चात जूनियरेट की पढ़ाई के लिए संत स्टानिलिशस सीतागढ़ा आ गए। जूनियरेट की पढ़ाई के बाद उसने अहमदाबाद उनसे भेजा गया।
एवं सेंट जेवियर्स कॉलेज से बीए साइकोलॉजी की पढ़ाई सन 2020 में पूरी की। उसके बाद उसने एमए दर्शन शास्त्र की पढ़ाई सन 2022 में सत्यनीलम चेन्नई से पूरी की। तत्पश्चात वे सेंट जेवियर्स स्कूल हजारीबाग अपने प्रथम वर्ष की रेजिडेंसी के लिए आ गए। वे सेंट जेवियर्स के बच्चों के चहेते थे। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके साथ बास्केटबॉल, फुटबॉल्स और अदर गेम्स खेलते थे, और स्कूल की छुट्टी के बाद फादर लोगों के साथ बैडमिंटन भी खेलते थे। आज से चार दिन पहले 16 अप्रैल 2022 को लगभग सुबह 7:30 बजे हजारीबाग से रांची आने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने के तुरंत बाद ही उसने सबसे पहले मुझे कॉल किया और दुर्घटना की जानकारी दी। उसने कहा, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, चलने में दिक्कत हो रहा है और शायद मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है, जल्दी से यहाँ आओ। मेरे दुर्घटना स्थल पर पहुँचने तक अस्थाई लोगों के द्वारा उन्हें मेदांता हॉस्पिटल इरबा ले जाया गया एवं उनके सामान का देखरेख किया। मैंने हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उनका एडमिशन प्रोसेस शुरू किया और उन्हें इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर चोट की गंभीरता देखते हुए तत्कालीन जांच का आदेश दिया। जांच से वापस लौटने के दौरान उनका आखिरी कथन था, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, और उन्हें वेंटिलेटर में शिफ्ट कराया गया। रिपोर्ट में पता चला कि लंग्स में ब्लीडिंग होने की वजह से ऑपरेट करना होगा और खून प्रबंध करने को कहा। खून प्रबंध करने के क्रम में वार्ड से कॉल आया और मैं अंदर चला गया। तभी पिताजी पहुंच गए और लगभग 11:45 में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। हम सभी दुखित मन से उनके जीवन और प्रेरिताई कार्य के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर ने उन्हें दिया था और अपने पास बहुत जल्द ही बुला लिया। थैंक यू विल्सन। अब मैं आज के मुख्य अनुष्ठाता फादर सुशील ओस्का को आमंत्रित करता हूं कि वे हमें क्रिस्त्याग में हमारी अगुवाई करें। यह मिसा बलिदान श्री पास्कल तिर्की एवं समस्त तिर्की परिवार की ओर से स्वर्गीय ब्रदर पैट्रिक तिर्की की आत्मा की अनंत शांति के लिए एवं पास्कल तिर्की के माता पिता स्वर्गीय इग्नासियस तिर्की, स्वर्गीय हेलेना तिर्की और उनकी दीदी रोज मेरी लकड़ा कि आत्मा की अनंत शांति के लिए यह मिसा बलिदान चढ़ाया जा रहा है। प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने पवित्र लहू से इनके पापों के दाग को शुद्ध करें और सारे पापों को क्षमा प्रदान करें और स्वर्ग राज्य में अनंत शांति प्रदान करें। आइए हम मिसा बलिदान शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों, माता पिताओं और प्यारे बच्चों, आज हम स्वर्गीय ब्रदर पैट्रिक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं। यह वास्तव में दुखद समय है और इस दुख की घड़ी में हम लोग पल्लीवासी यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हमारी उपस्थिति ये दिखाता है कि हम दुख में
और सुख में हम इनके साथ हैं। हमारी प्रार्थनाओं का इनकी बहुत ही जरूरी है और इसलिए आज हम इनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा इस परिवार पर हो, दुख में सुख में इनका मार्गदर्शन करें ताकि अपने दैनिक कार्यों में ईश्वर की उपस्थिति को पहचानते हुए अपना दैनिक जीवन यापन कर सकें। आइए हम इस मिसा बलिदान में भाग लेने के पहले अपने कमजोरियों को याद करें, पापों और गुनाहों को याद करें और उसके लिए ईश्वर से तथा एक दूसरे से माफी मांगें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं सब सदूतों सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
दुनिया के बनल अबा ईश्वर दुनिया में मनवा के भर दे ले स्वर्ग में दूत सत गाते रहना दुनिया में मनवा गावे नारे महिमा 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 प्रभु के रे दुनिया में महिमा महिमा चल ईश्वर बेटा के दुनिया में बेच दे ले मनवा के बाद चल यीशु ईश्वर क्रूस में जीवन गवाए दे ले स्वर्ग में दूत संत गाते रहे ना दुनिया में मनवा गवे नारे महिमा महिमा प्रभु के गूंजे रे दुनिया में महिमा 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 प्रभु के गूंजे रे दुनिया में पवित्र ईश्वर सो पेरा हमरे की नजर करीला पवित्र कातली कलीसिया में करीला सो पेरा तोर महिमा स्वर्ग में दूत सत गाते रहे दुनिया में मनवा गवे नारे महिमा 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 प्रभु के गूंजे रे दुनिया में महिमा 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 प्रभु के गूंजे रे दुनिया में हम प्रार्थना करें हे ईश्वर तू विश्वासियों का गौरव और भक्तों का जीवन है तेरे पुत्र की मृत्यु पुनरुत्थान से हमारी मुक्ति हुई है अपने सेवक स्वर्गीय ब्रदर पात्रिक तिर्की स्वर्गीय इग्नासियस तिर्की हेलेना तिर्की और रोस मेरी लकड़ा पर दया दृष्टि कर वे हमारे पुनरुत्थान के रहस्य पर विश्वास करते थे अब उन्हें दया पूर्वक परमानंद के योग्य बना दे हमारी प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं
पहला पाठ तिमथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद रखिए, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बने रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहें तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाएंगे तो भी वह सत्य प्रतिज्ञ बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Yeah.
दूसरा पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 7 से 14, धर्मी की मृत्यु और अधर्मी की लंबी आयु। यदि धर्मी मनुष्य असमय मर जाए तो वह शांति पाएगा, क्योंकि वह वृद्धावस्था आदरणीय है। वह न तो लंबी आयु पर निर्भर करती है और न केवल वर्षों की संख्या पर। जो मनुष्य बुद्धिमान है उसी के बाल सफ़ेद समझो, और जिसका जीवन निर्दोष है उसी को वयोवृद्ध मान लो। ईश्वर उस पर प्रसन्न था और उसे प्यार करता था, इसलिए ईश्वर ने उसे पापियों के बीच में से उठा लिया। वह इसलिए उठा लिया गया कि कहीं उसकी बुद्धि का विकार ना हो जाए और कपट उसकी आत्मा को नहीं बहकाए, क्योंकि बुराई का सम्मोहन भलाई को धुलाती है और लालच की तीव्रता सरल हृदय को दूषित करती है। वह थोड़े समय में पूर्ण बनकर लंबी आयु तक पहुंच गया है। उसकी आत्मा प्रभु को प्रिय थी, इसलिए प्रभु ने उसे शीघ्र ही चारों ओर की बुराइयों में से निकाल लिया। लोग यह बात देखकर नहीं समझे, यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जोहन के अनुसार पवित्र सुसमाचर। हे प्रभु तेरी महिमा हो। वहाँ पहुँचने पर यीशु का पता चला कि लाजरुस 4 दिनों से कब्र में है। बेथानिया जेरूसलम से 2 मील से भी कम दूर था, इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। ज्यों ही मार्था ने यह सुना कि यीशु आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता, और मैं जानती हूँ कि आप भी ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उसी से कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे।
प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई बहनों और प्यारे बच्चों, डुरंडा पल्ली में संडे क्लास होता होगा, है ना? प्रायः सभी पारिशों में संडे क्लास होता है। और जब मैं पढ़ रहा था, छोटा था, उस समय संडे क्लास प्रायः धर्म बहनें दिया करती थी। तो वैसे ही एक धर्म क्लास कुछ सिस्टर लोग दे रही थे, और संडे क्लास के आखिरी में एक सिस्टर ने बच्चों से पूछा कि बच्चों, स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा? तो एक छोटी बच्ची हाथ उठाती है और कहती है कि मम्मी पापा की आज्ञाओं का पालन करना। दूसरा कहता है कि झूठ नहीं बोलना। तो ऐसे ही कई जवाब आए, और तब पीछे एक चुपचाप एक बच्चा बैठा हुआ था और वो हाथ उठाता है और कहता है कि सिस्टर, मैं जवाब दूंगा। और वो कहता है कि स्वर्ग जाने के लिए तो मरना होगा ना, कैसे स्वर्ग जाएंगे ना, ये तो लाइटर साइड हो गया। आज वास्तव में कहें तो हम लोग दुखी हैं, क्योंकि ब्रदर पैतृक तिर्की हमारे बीच नहीं है। साथ ही साथ हम खुश हैं कि वह इस दुनिया के झंझटों को त्याग कर ईश्वर के राज्य में दूतों और संतों की संगति में चले गए। हम ख्रिस्त विश्वासी अपनी उपस्थिति से आज यही बतलाना चाहते हैं कि हम दुख और सुख दोनों में इस परिवार के साथ हैं। हमारी उपस्थिति इस परिवार को सांत्वना देती है, आनंद देता है, जीवन को साहसपूर्वक आगे बढ़ाने में मदद करता है। आज हम लोग जैसे यहां आए हैं, वैसे ही यीशु भी अपने प्रिय मित्र लाजरुस के मृत्यु के 4 दिन बाद बिथानिया, मरियम और मार्था के घर गए थे। उन्हें भी बहुत दुख हुआ और वे भी रोए। रोना और विलाप करना ये उचित और ख्रिस्तीय है, क्योंकि संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र में अध्याय 12 पद संख्या 15 में कहते हैं कि रोने वालों के साथ रोइए। लेकिन आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस थिसलनीकियों को याद दिलाते हैं कि हम उन लोगों की तरह शोक ना मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। लेकिन हम ख्रिस्तियों का विश्वास है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, इसलिए हमारे दुख और विलाप के पीछे एक वास्तविकता छुपी हुई है कि भाई स्वर्गीय पैतृक ईश्वर के हाथ में है, जो असीम दयालु और प्रेम है। हम विलाप करते हैं लेकिन एक आशा लेकर कि वे दूतों और संतों की संगति में रहें और उन्हें शांति मिले और उन्हें अनंत शांति मिले और ईश्वर उनके सभी गुनाहों को, पापों को माफ कर दें। आज ब्रदर पैतृक
हमारे बीच में नहीं है। इस परिवार में एक खालीपन का एहसास होगा और ये एहसास, खालीपन का एहसास रहेगा, पर हमारा विश्वास है कि वे हमारे बीच में हैं एक आत्मा के रूप में। अगर हम आज के तीनों पाठों पर मनन चिंतन करेंगे तो तीनों पाठों का सार यही है कि हमें जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। आज का दूसरा पाठ जो प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया था, उसमें हमने सुना वयोवृद्ध वही है जिसकी मृत्यु हो जाती है। जब मैं इस पाठ के बारे में मनन चिंतन करता हूं, और इस विषय में मैंने काफी चिंतन की है, और मुझे सिर्फ एक ही चीज सांत्वना देता है। इसके पहले मैं पिछले समर में गर्मी छुट्टी में मैं घर गया हुआ था, और उस समय एक बुजुर्ग से मेरी बात हो रही थी, और उन्होंने मुझसे कहा कि फादर, मुझे जीने का मन नहीं करता है, घर में बहू ठीक नहीं करती है, वाइफ के जाने के बाद बिल्कुल मुझे अकेला लगता है, मुझे लगता है कि मेरी बहू और बेटे मुझको कुछ भी नहीं देते हैं, इसलिए मुझे मरने का मन करता है, मैं क्या करूं। मैं सोच में पड़ गया कि मैं इसको क्या बताऊं, लेकिन मैंने उसको इतना ही कहा कि ईश्वर भला है, वह आपकी आवश्यकताओं को जानता है, लेकिन मेरा विश्वास यही है कि आप इतने जल्दी पिता के प्यारे नहीं होंगे। आप पिता के प्यारे तभी होंगे जब आप अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर को चढ़ा देंगे, माया मोह जितना भी है उसको त्याग देंगे, तभी ईश्वर आपको बुलाएगा, अन्यथा आपको नहीं बुलाएगा। इस बार फरवरी में मैं घर गया था, उससे मैं मिला और उसने कहा कि फादर, आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो आपने बताया वास्तव में मुझे शांति देता है, अब मुझे चिंता नहीं है। और मेरा व्यक्तिगत विचार है, मनन चिंतन है कि ये जो जीवन है ये शुद्धिकरण का जीवन है, जब तक हम लोग शुद्ध नहीं हो जाते हैं प्रभु हमें नहीं बुलाएंगे, जिस दिन हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएंगे प्रभु हम लोगों को बुला लेगा। और हम प्रत्येक ख्रिस्तीय के लिए ये एक चुनौती है, हर दिन हम लोग नया दिन देखते हैं, और ये हर नया दिन एक बोनस की तरह है, एक अनुग्रह की तरह है, हमारे लिए और अधिक ईश्वर के पास आने का समय है। और इसीलिए हमारे लिए चुनौती है कि हम कैसे रोज दिन ईश्वर के नज़दीक आए, और मुझको लगता है कि ईश्वर के पास और नज़दीक आने का एक ही रास्ता है, प्रार्थना, और उसकी बताई हुई मार्गों पर चलना, और वो बाइबल में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, अपने ईश्वर को अपने समान प्यार करो और अपने पड़ोसियों को भी अपने समान प्यार करो। हम ये दो चीज करेंगे तो हम ईश्वर के नज़दीक होंगे, उसकी उपस्थिति का अनुभव हम लोग हर क्षण और हर घड़ी कर पाएंगे। लेकिन ईश्वर को सारे मन, सारे हृदय और सारी शक्ति से हम प्यार नहीं कर पाते हैं। हम अपने पड़ोसियों को जैसे हम अपने आप को प्यार करते हैं, वैसे हम अपने पड़ोसियों को प्यार नहीं कर सकते हैं। और मुझको लगता है कि हम अगर ये दो चीज़ कर लेंगे
तो प्रार्थना स्वतः ही हमारे हृदय में प्रस्फुटित होगा। किसी की सहायता के लिए हम यूं ही आगे बढ़ जाएंगे, उसके लिए हमको ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। और जब मैं ब्रदर पैट्रिक के जीवन पर थोड़ा सा मनन चिंतन करता हूं तो ये बातें स्पष्ट हो जाती है। उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि प्री नोविशिएट में मैं उनका डायरेक्टर था। छोटी छोटी बातों को लेकर वो मेरे पास आते थे डिस्कस करने के लिए डाल्टनगंज में, क्योंकि ग्रुप में 26 थे, 26 में से ये अलग ही था। इनका किसी भी काम को करने का तरीका, किसी चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग था, जो कि कुछ एक दो कैंडिडेट लोगों को उतना अच्छा नहीं लगता था। और इसलिए आके हमसे बात करते थे कि फादर मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मैं क्या करूं, कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। मैं उससे यही कहा करता था कि तुम दूसरों से भिन्न हो, तुम रांची शहर से आते हो, इसलिए चीज़ों को देखने और चीज़ों को करने का जो तरीका है तुम्हारा उनसे अलग है। शायद वे तुम्हारे तुमको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तुम काफ़ी एडवांस हो ना, तुम किसी को भी सहायता करने के लिए पहुंच जाते हो, कोई भी तुम्हारे पास आता है तुम ना नहीं करते हो, उनकी सहायता करते हो ना, उनसे बात करते हो, इतने ग्रुप में तुम्हारे फ्रेंड सर्कल हैं ना, सब तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी यही सब चीज़ जो है किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है, और इसलिए उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सोचता हूँ कि हर पल हर क्षण खुश रहने और दूसरों को सहायता करने के लिए अपने आप से प्यार करना और ईश्वर से प्यार करना, यही दो मूल मंत्र है। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हम सबों को ये शक्ति दे, ये आशीष दे, ताकि हम अपने दैनिक जीवन में ईश्वर को अपना प्रभु और ईश्वर मान सकें और हम अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आइए हम अपने अपने प्रार्थनाओं को प्रभु को चढ़ाएं। आज हम जब यहाँ पर प्रभु के वेदी के सामने उपस्थित हैं, आइए हम स्वर्गीय ब्रदर पैतृक तिर्की, उनके दादा इग्नासियस तिर्की, दादी हेलेना तिर्की और रोज मेरी लकड़ा, इनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर इनके पापों गुनाहों को धो दे और अपने राज्य में जगह दे, साथ ही साथ परिवार के जितने भी सदस्य हैं वे सांत्वना पाएं, अपने जीवन को नए तरीके से देख सकें और आगे बढ़ सकें। आइए हम इसी कृपा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। अबा बिनती हमरे करिला, अर्जी हमरे मांगिला, सुन ले उहे अबा। संत पापा, धर्म अध्यक्ष, पुरोहितों, धर्म बहनों तथा पवित्र कार्तिक कलिशिया के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप उन्हें शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक सुस्वस्थ प्रदान कर उन्हें सत बुद्धि प्रदान करें, जिसे वे कलिशिया रूपी रेवड़ की अच्छी तरह मार्गदर्शन कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सुन ले वोहे अबा, बिनती हमरे करिला, अर्जी हमरे मांगिला, सुन ले वोहे अबा। हे सर्वशक्तिमान
भगवान पिता परमेश्वर, आज हम स्वर्ग पात्रिक तिर्की के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू दयालु है, आप उनके सभी दोष गुनाहों को क्षमा कर दे और स्वर्ग राज में प्रवेश पाने दे। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। सोन ले वो है अबा बिनते हमरे करला, अर्जी हमरे मंगला। सोन ले वो है अबा। आज हम स्वर्गीय पात्रिक तिर्की के माता पिता, भाई बहनों एवं रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप इस दुख की घड़ी में उन्हें साहस और संतवाना प्रदान करें, जिससे वे दुख के बावजूद भी आपका विश्वास में अटल रह सके। आमीन। सोन ले वो है अबा बिनती हमरे करिला, अर्जी हमरे मंगिला। सोन ले वो है अबा। इस परिवार में जितने भी मृत माता पिता, भाई बहन स्वर्गवास हो चुके हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप उन सभी मृत विश्वासियों की आत्मा को अनंत शांति प्रदान करें और स्वर्ग राज में प्रवेश पाने दें। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। यहाँ पर उपस्थित सभी विश्वासीगण एवं रिश्तेदारों सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप हम प्रत्येक जन के ऊपर विशेष आशीष एवं कृपा दे, सभी दुख तकलीफ में हमें सुरक्षित रखें, ताकि हम आपकी महिमा एवं बड़ाई दिनों दिन कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज हम विशेषकर स्वर्गीय पात्रिक तिर्की की आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम इस यूखरिस्तीय समारोह में हमारे परिवार से ईश्वर को प्यारे हो गए तमाम माता पिता, भाई बहनों, बेटे बेटियों को याद करें और उनके लिए भी प्रार्थना करें। ईश्वर उन्हें अनंत शांति, अनंत राज्य प्रदान करें। हम निवेदन करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू हमारी सभी आवश्यकताओं को जानता है। जिन प्रार्थनाओं को अभी हमने शब्दों द्वारा प्रकट किया है और वे सारी प्रार्थनाएं जो हमारे हृदय की गहराई में छुपी हुई है, उन सारी प्रार्थनाओं को भी सुनने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
समर्पण करता हूँ मैं प्रभु तेरे लिए। उससे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उससे चूने लाऊं तेरे लिए, उससे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उससे बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। आमीन। हे प्रभु, यह भेंट सानंद ग्रहण कर जो हम तुझे तेरे सेवक स्वर्गीय पैतृक तिर्की, इग्नासियस तिर्की, हेलेना तिर्की और रोस मेरी लकड़ा के लिए तुझे अर्पित कर रहे हैं। दिव्य संस्कारों से परिशुद्ध होकर वे तेरी महिमा में सदा जीवित और आनंदित रहे, यह विनती सुन हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और संगत है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें इनके द्वारा महिमा में पुनरुत्थान की आशा दी है। जब हम अपनी मृत्यु के विचार से दुखी होते हैं तो अमरता की प्रतीक्षा हमें दिलासा देती है। हे पिता, तेरे भक्तों के लिए मृत्यु जीवन का विनाश नहीं, जीवन का विकास है, क्योंकि जब मृत्यु के द्वारा यहाँ का निवास समाप्त हो जाएगा, हमें स्वर्ग का नित्य निवास प्राप्त होगा। इसीलिए हम स्वर्ग के समस्त स्वर्ग दूतों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर में गाते हैं। प्रभु
स्वर्ग राज्य में दुनिया है जी अबे और नाम से जय 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 प्रभु कर बड़ा पिता तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है नवीन और अनंत व्यवस्थान कर जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य हे प्रभु हम तेरे नृत्यों आए पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। हे परमपिता यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आयन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु अपने सेवक स्वर्गीय ब्रदर पात्रिक तिर्की एवं इग्नासियस तिर्की, हेलेना तिर्की, रोजमेरी लकड़ा, इन सबों की आत्माओं की सुधि ले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्रदान करें।
हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा समय और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे सब जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करता रहे। आमीन। अभी पवित्र परम प्रसाद का समय है। इस मिस्सा पूजा में उपस्थित सभी जनों का हार्दिक स्वागत है, परंतु इस पवित्र परम प्रसाद को सिर्फ वही लेंगे जो रोमन कैथोलिक सदस्य हैं और इसको लेने के लिए
संस्कारित किए गए हैं। धन्यवाद।
पवित्र मिस्सा के बाद प्रोग्राम इस तरह का है। पवित्र मिस्सा के बाद पत्थल गाड़ी का प्रोग्राम अर्थात विधि विधान होगा। पत्थर गाड़ी के बाद में श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा। क्योंकि गर्मी बहुत तेज है इसलिए पत्थल गाड़ी करने के लिए जो इच्छुक हैं जा सकते हैं, और अब जाने की सुविधा जरूर कुछ होगी तो उसी के आधार पर हम लोग सुविधा के अनुसार पत्थलगढ़ी के लिए हम लोग जा सकते हैं। धन्यवाद। उसके बाद श्रद्धांजलि के बाद आगे का कार्यक्रम समय अनुसार बताया जाएगा। धन्यवाद। पत्थलगढ़ी के लिए क्योंकि थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा तो जो लोग आ सकते हैं आप सभी आमंत्रित हैं, और बाकी लोग शायद अगर नहीं आ पाते हैं, चलने में दिक्कत है, धूप है, तो शायद आपको यहीं रहना होगा। लेकिन हम लोग मिस्सा के बाद तुरंत जो पत्थलगढ़ी की जो परंपरा है, जो हमारा आदिवासी ट्रेडिशन है, उनको फुलफिल करेंगे, इसीलिए तुरंत हम लोग मिस्सा के बाद में कब्र स्थान की ओर जाएंगे। और जो आ सकते हैं आप इसमें ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित हैं, बाकी यहीं रहें। आज का प्रसाद भजन कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा किंतु मृत्यु पार कर जीवन में प्रवेश करेगा। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, इस परम पावन संस्कार के द्वारा पवित्र होकर हम दीनता पूर्वक निवेदन करते हैं, अपने सेवक सेविका स्वर्गीय ब्रदर पात्रिक तिर्की, इग्नासियस तिर्की, हेलेना तिर्की और मेरी रोस लकड़ा को पाप से मुक्त कर दे, जिसे ये पुनरुत्थान के द्वारा न जीवन प्राप्त कर सके। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदाले मिसा संपन्न हुआ। परमेश्वर को धन्यवाद।
परंपरा है, ये भी हमारा विश्वास है, हम उनको शुरू करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साथ करे आप सबको को प्राप्त हो। रोहितगंज माता पिताओं, भाई बहनों, बच्चे मित्रों, पत्थलगढ़ी एक विशेष एक स्थान पर पत्थलगढ़ी एक स्थान विशेष पर होता है, जो परिवार के घर से बाहर मुख्य सड़क के किनारे या गांव का एक सार्वजनिक स्थल हो, जिसे लोग उसे देख सके। गांव का महान या पुजारी पत्थलगढ़ी के स्थल को पवित्र करने के लिए अर्थात ईश्वर से प्रार्थना या विनती अन्य विनय करते हैं। और स्थानीय रीति रिवाज विधि विधान के अनुसार गांव के चारों दिशाओं के आत्माओं से प्रार्थना करते पत्थलगढ़ी स्थल को पवित्र करते हैं, जिससे कि पत्थलगढ़ी से गांव में किसी तरह की विपत्ति या महामारी न आए। गांव के पुरखों को भी याद करते हैं, जिनके स्मृति में पत्थलगढ़ी किया जाता है। अब वे हमारे बीच नहीं रहे, किंतु उनकी याद सदा हमारे साथ हमारे गांव घर में रहेंगे और हमारे वंशजों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे, प्रतीक बनेंगे। पत्थलगढ़ी स्थल को पवित्र करने के लिए यह दस्तूर हमारे पूर्वजों के द्वारा संपन्न की जाती है, जो कि एक बाह्य चिन्ह है जो हमें ईश्वर से और हमारे पूर्वजों से उनको जोड़ती है। इस समय घर के विशेष परिवार आएंगे, महिलाएं और जो प्यारा है उसके बेटा का चिन्ह देने के लिए लड़ाई पानी डाल सकते हैं। परिवार के तो और
हमारे पिता, उन्हें आदिकाल से इसराइलियों को अपनी संहिता अंकित करने, वेदी बनाने, विशेष घटनाओं की याद करने और मृतकों के स्मारक बनाने आदि के लिए पत्थरों का प्रयोग करना सिखाया था, जिससे वे सदा तेरे ही बने रहे। तेरे ही योजना की उसी लंबी परंपरागत आस्था में पालन करते हुए हम भी इस शिला को या पत्थर को स्थापित करते हुए उसे आशीष की याचना करते हैं। इस स्मृति शिला पर विशेष आशीष देने की कृपा कर, जिससे हम उनकी याद में स्थापित कर रहे हैं जिन्होंने तेरी योजना के अनुसार इस भूमि पर पहला पड़ाव डाला था। छोटा नागपुर में हमारे पुरखे भी शिला का सदुपयोग विशेष घटनाओं का स्मरण करने के लिए किया करते थे तथा सफेद धागे से लपेट कर पवित्रता के स्रोत उससे सिंह गोंगा धर्मेश Thank you.
Oh,
बस रहे ये सब मेरे पास रहे तेरे बिन ये सब जाऊँ कहाँ मैं जाऊँ कहाँ करूँ आस कहाँ तेरे बिन ये सब जाऊँ कहाँ इस संसार में जाऊँ कहाँ मैं इस जग में शांति पाऊं जग में शांति कहाँ पाऊं तेरे बिन ये जाऊं कहाँ मैं जाऊं कहाँ करूँ आस कहाँ तेरे बिन ये जाऊं कहाँ Who